गुप्त सूचना के आधार पर तहसील पुलिस ने गांधीबाग स्थित ट्रांसपोर्ट ऑफिस से बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया है। मांझे की कुल कीमत 2,35,000 रुपए बताई गई, जबकि पुलिस ने ट्रक समेत कुल 27,35,200 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने माल बुलाने वाले प्रेमनगर झेंडा चौक निवासी कोलबा परसराम चावली और नागपुर भोपाल ट्रक ट्रांसपोर्ट गांधीबाग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस सिपाही मुकुंद वारे को गुप्त सूचना मिली कि नागपुर भोपाल ट्रांसपोर्ट के एक ट्रक में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया। सूचना के अनुसार यह मामला HR50S3207 नंबर के ट्रक में यह मांझा लाया जा रहा है। तहसील ने पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑफिस की फील्डिंग लगा दी। शाम करीब 4 बजे उक्त नंबर का ट्रक आते ही रेड मार दी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से माल की बिल्टी मांगी। बिल्टी पर बताया गया था कि ट्रक में धागा लदान किया गया है। यह माल प्रेमनगर झेंडा चौक निवासी कोलबा परसराम चावले द्वारा बुक किया गया था। जांच करने पर ट्रक में 6 बोरे में 56 चक्रियां मांझे मिले। इनकी कुल कीमत 2,35,000 बताई गई। पुलिस ने मांझा और ट्रक समेत 27,35,200 रुपए का माल जब्त किया। उक्त कार्रवाई CP अमितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त नवीन्द्र चंद रेड्डी, DCP राजमाने, ACP संजय सुरवे के मार्गदर्शन में PI भांडारकर, PI बब्बन येडगे, API संदीप बागोल, ASI स्वप्निल बाग, संजय दुबे, अनंता नानहे, प्रशांत चचाने, प्रदीप सोनटक्के, पुरुषोत्तम जगनाडे, रंजीत बाबने, मुकुंद वारे आदि द्वारा पूरी की गई। नालन मांझा आहे जो प्रतिबंधक आहे, प्रतिबंधित आहे, ज्यामुळे बरेच आपण बघतोय काही काला गेल्या कालामध्ये फेटल ऍक्सिडेंट पण झालेले आहेत आणि माननीय न्यायालयानं याला प्रतिबंधन केलेलं आहे। आम्ही अनेक वेळा आव्हान केलेलं आहे लोकांना, व्यापाऱ्यांना आव्हान केलेलं आहे, त्यांना आम्ही समजून सांगितलेलं आहे की हा जीविताला घातक असा हा नायलॉन मांझा आहे। बऱ्याच लहान मुलांचे प्राण पण यातून गेलेले आहेत। हा अजिबात विकला गेला नाही पाहिजे। तरीही काही आहेत जे कायद्याला गृहित धरतात, अशा लोकांच्याकडून हा जो नायलॉन मांझा आहे तो ट्रान्सपोर्ट होत आहे आपल्या शहरामध्ये अशी माहिती मिळाली होती। आज जवळजवळ 3-1 लाखाचा नायलॉन मांझा तहसील पोलीस स्टेशनच्या टीमनं जप्त केलेला आहे। काल ही 50 रील त्याच्या नायलॉन मांझ्याचा जप्त केलेला होता। परवा दिवशी पण शांतीनगर पोलीस स्टेशनला 20 क्वांटिटीमध्ये नायलॉन मांझा जप्त केलेला होता। आम्ही आपल्या मार्फत लोकांना आव्हान करतोय, एकतर पोलीस म्हणून आम्ही लोकांचे प्राण धोक्यात घालणार नाही आणि अशा प्रकारचं समजून सांगून पण कोणी असा अवैध व्यवसाय करत असेल त्यांना आम्ही सोडणार नाही। कायदा स्ट्रॉंग आहे, त्यांच्यावर नक्की आम्ही कायदेशीर कारवाई करू। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।